Now let's start our discussion on the presidency of Jackson, like not Michael Jackson. Otherwise, it would have been really cool if Michael Jackson had become the president. We're talking about Andrew Jackson, and we'll Andrew Jackson's presidency detail. Before we start uh, this discussion, which important events, which uh, Andrew Jackson's presidency, there were Very small things. A Madbury versus Madison case. What was the case? This case about. Uh, Again, this was in 1803. Uh, it's not as important as an individual topic, but it's a concept important. इसने basically judicial review ka precedent for the first time jo hai, wo set. And uh, I'd recommend that you, you guys should definitely check this out. Uh, you should definitely know this. Second, before we do Andrew Jackson, which is a more important topic, but you chronological continuation chronological continuation, there are some. सिग्निफिकेंट इवेंट्स बिफोर द प्रेजिडेंट एंड जैकसन प्रेजिडेंसी सो इट्स प्रेफरेबल कि अगर आप एक क्विक रिव्यू उन चीज़ों का भी कर लें बिफोर यू वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस लेक्चर सो आपकी क्रोनोलॉजी भी ठीक रहेगी समाइम्स वी नो द एक्सपेरिमेंट एग्जामिन एक्सपेरिमेंट विद द क्वेश्चन तो अगर वो फॉर कभी बहुत डिटेल में चला जाता है या किसी अन फेमिलियर टॉपिक के अंदर चला जाता है तो वो भी आपके काफी हद तक कवर हो जाएंगे सो आइड रिकमेंड के बिफोर दिस लेक्चर यू गाय शुड वॉच दिस यूएस एस ट्री लेक्चर नंबर ट्वेल्व

जो सवाल आ चुके हैं एंडू जैक्सन से मुतल दो हज़ार चार में छ में दस में दो हज़ार आठ में भी आया हुआ है कि एंड्रू जैक्सन की सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करें प्रेजिडेंसी के और एंड्रू जैक्नियन डेमोक्रेसी के बारे में प्रेजिडेंट एंड्रू जैक्सन वॉज अ पीपल्स प्रेजिडेंट एंड स्मॉल नोट पाँच मार्क्स का जो आता होता है तो इनके ऊपर सॉरी टेन मार्क्स का इसके ऊपर आपने जो है वो डिस्कशन करनी है तो दिस इज़ how our discussion is going to progress we'll start with the introduction we'll talk about the elections of 1828 and how it signified the rise of common man then as president we'll look at his inauguration indian removal policy the nullification crisis service pension act rotation in office and the spoil system bank veto and election of 1832 panic of 1837 judicial appointments the states that he admitted to the union and then we'll do a critical analysis i've called it evaluation here you can use the critical analysis key term uh, of the presidency policies aimed at the common man controversial policies and its effects expansion of president's power and legacy and impact so who was andrew jackson 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 was somebody who was born into poverty he did not come from a wealthy family he grew up to be a lawyer and a landowner he became a national hero after defeating the british in new orleans during the war of 1812 the battle of new orleans very significant very monumental very important strategically uh, which

तो अर्बन सेंट वो वाली जगह इंपॉर्टेंट होने लगे आप जिस तरह देखें पाकिस्तान में आज से तेईस चालीस साल पहले अर्बन सेंटर्स डिड नॉट रियली मैटर इन नेशनल इलेक्शंस बिकॉज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज आपके अर्बन सेंटर्स बहुत थोड़े थे बट आज के दौर में आपकी ऑलमोस्ट हाफ पैरिटी पे जा रही है आपकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ की तो अर्बन एरियाज आर एज इंपॉर्टेंट तो किस तरह विद टाइम जिस तरह एफ्लुएंस आती है इकोनॉमिक डिवेलपमेंट या इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी डिवेलप होती है आपके निजाम के अंदर उस उस तरह डायनामिक शिफ्ट होते हैं तो उसमें अमरीका में भी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के साथ बड़े इम्पैक्ट रहे स्ट्रॉन्ग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैटी एंड सपोर्टर्स एंड वुड शेप इन टू इमर्जिंग पोलिटिकल पार्टीज तो चेकसोनियन डेमोक्रेट्स और जेफरसोनियन डेमोक्रेट्स ये दो हमें बाद में नजर आएंगे इनको भी हम देखेंगे इतनी स्ट्रोंग पर्सनैलिटी थी कि इसके आइडियाज से फेवर करने वाले और अख्तिलाफ करने वालों की देख पोलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगी यू कैन मेक दैट पैरल पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में लाइक जुल्फकार अली भुट्टो हाउसिकल पार्टी एंड एवरीबडी एल्स अपोज टू हिम ऑर्गेनाइज अलॉन्ग दिशन पोलिटिकल पार्टीज टाइम्स थिंग्स एवॉल्ड बट दैट्स हाउ इट वॉज बैक दैन द प्रो जैक्नाइट्स बिकेम द डेमोक्रैट्स जिनको फॉर्मली डेमोक्रैट्स रिपब्लिकन्स कहा जाता है और जो एंटी जैक्नाइट देर नोन एज द विग पार्टी Jackson made it clear he was the absolute ruler of his administration's policy and did not hesitate to use his veto power for their part the Whigs claimed to be defending popular liberties against an autocratic Jackson who was referred to as in negative cartoons as king Andrew the first के बहुत ज्यादा इसने प्रेसिडेंट की पावर्स और एक बड़ी स्ट्रांग और इंटरफेयरिंग प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट किया विच इज व्हाई जो उसके ओपोनेंट्स थे वो उसे मोनार्क के साथ कंपेरिजन करते थे ही लेड द फाउंडेशन टू रिकगनाइज एज द मॉडर्न प्रेजिडेंसी क्योंकि इसने प्रेजिडेंट के प्रेजिडेंट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे इतना ज़्यादा डायरेक्टली चीज़ों को हैंड्स ऑन मैनेज नहीं करते थे कांग्रेस और ये चीज़ें बड़ी ज्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती थी तो जैक्सन ने पहली दफा ये हरकत करना शुरू की जिसकी इसी और आहिस्ता आहिस्ता वो पावर्स प्रेजिडेंट की बढ़ती गई वक्त के साथ साथ दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ही द फर्स्ट मॉडर्न प्रेजिडेंसी लेकिन जो बहुत सारी और हरकतें थी एंड जैक्सन की वो बड़ी आउट ऑफ प्लेस थी वो बड़ी पुराने दौर की चीज़ें भी थी जिनका आज के दौर से कोई ताल्लुक नहीं instance, duels, है फॉर ही फॉर ड्यूल्स ठीक है डिश्व मसले हल करने के लिए दैट शोर इन गेम ऑफ थ्रोन्स ही ओन स्लेव्स एंड किल्ड नेटिव एज वेल एज ब्रिटिश स्पायस ही अ लाइफ लॉन्ग हेट्रेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज अठारह रेवोल्यूशनरी वॉर जो uh, हुई थी डेलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो जंग चल रही थी बरतानिया के साथ अमरीका की उसमें भी सोल्जर था यंग एंड्रू जैक्सन एंड ही वॉज कैप्चर्ड बाई द ब्रिटिश फोर्सेज और उसको उन्होंने जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया हुआ था एंड बिकॉज ही रिफ्यूज टू क्लीन द शूज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर तो उसको जो है ना वो तलवार के साथ उन्होंने चंड लगाई थी जिसकी वजह से बॉय को बहुत uh, ज़्यादा नफरत थी ग्रेट ब्रिटेन से जिसका बदला उसने अठारह की जंग में फिर लिया

आए थे और उनकी जो दो टर्म्स थी प्रेसिडेंसी की उस दौरान बड़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई ज्योग्राफिकल ग्रोथ हुई वेस्टवर्ड एक्सपेंशन भी हो रही थी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी उस वजह से सोशल सोशल चेंज भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही थी मैनी एन एंटरप्राइजिंग अमेरिकन पुस्ट वेस्टवर्ड बहुत ज़्यादा जो लोग चाहते थे अपनी दुनिया खुद बनाना बिजनेसेस डेवलप करना नए लैंड्स को कल्टीवेट करना वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे इन द न्यू वेस्टर्न स्टेट्स लैंड वॉज रेडिली अवेलेबल एंड फ्रंटियर लाइफ के वो जो नए पूरे पूरे लैंड पॉपुलेट करना डेवलप करना वेस्ट में इट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड देर वॉज लिटिल टॉलरेंस फॉर एस्टोक्रैट्स देर हैंड्स ड्यूटी इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ऑन्ट्रप्रनोरियल क्लास थी मिडिल क्लास थी जो मेहनत करके ऊपर आना चाहती थी जिन्होंने वेल्थ इनहेरिट नहीं की थी वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे फ्रॉम स्क्रैच इस तरह के बहुत लोगों ने वेस्टवर्ड मूव करना शुरू किया और अपनी एक नई दुनिया बात करना शुरू की और उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनको उसका आ, समर भी मिलना शुरू हो गया ऐसा ऐसा वेल्थ क्रिएशन भी उन्होंने शुरू कर दी फिर वेस्ट की चूँकि स्टेट्स पॉपुलेटेड वेस्ट में जनरली एरिस्टोक्रैट्स थे ही नहीं एरिस्टोक्रैट्स जिन्होंने फैमिली से वेल्थ इनहेरिट की थी वो ज्यादातर ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश ईस्टर्न स्टेट्स थी जो ओरिजिनल थी उसके इर्द गिर्द थी वो लोग आबाद थे उनको क्या जरूरत थी वो सारा कुछ छट छोड़ के जो है नई दुनिया में जाके अपना सिस्टम आबाद करते तो चूंकि वेस्ट में ऑलरेडी नॉन एडिस्टोक्रेटिक क्लास थी कॉन्ट्रोप्रनोरियल क्लास थी मिडिल अपर मिडिल क्लास थी तो वहां पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स वोटिंग की जो है ना दैट डिट मेक सेंस ऑफ कोर्स तो जो वेस्टर्न स्टेट्स थी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी कि जी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इतने लैंड ओनिंग होनी चाहिए आपके पास तभी आप वोट कर सकेंगे और चूंकि वेस्टर्न स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी आता आहिस्ता वो आइडिया मजीद पॉपुलर होता गया डिमांड ईस्टर्न स्टेट्स पे भी बढ़ती गई और सोन ईस्टर्नो स्टेट्स ने भी ये रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी तो एकदम जो है ना वोटिंग राइट्स प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई तो क्लास लेवल पे लोअर क्लासेस को भी सोशल सेंस में सोशल सोशली लेस इनकम ग्रुप्स को भी फाइनली ये मौका मिल गया कि वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं और एंड्रयू जैक्सन जो है वो उनका एक सिंबल के तौर पे सामने आ गया इट वाज बेसिकली री मैच ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1824 1824 में भी एंड्रयू जैक्सन इलेक्शन लड़ा था जो वो हार गया था अगेंस्ट जॉन क्विंसी एडम्स जॉन क्विंसी एडम्स वॉज ऑफ जॉन एडम्स जो सेकंड प्रेजिडेंट था तो उसका बेटा था तो उसने उन्नीस सौ चौबीस में वो प्रेजिडेंट बन गया था बड़े थोड़े मार्जिन के साथ तो इतना aristocracy, aristocracy थी चल रही वहाँ पर इन दर्ली इलेक्शन जैक्सन रिसीव मोर पॉपुलर वोट पॉपुलर वोट उसको ज्यादा मिला था लेकिन अलेक्टोरल कॉलेज का कोई मेजोरिटी वोट नहीं था दोनों कालेक्टोरल कॉलेज का वोट जो था वो टाई कर गया था तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है वो चूंकि ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स थे वहां पे उन्होंने जॉन एडम्स को चूज़ किया गेन एक बड़ी रिजेंटमेंट भी क्रिएट हुई डेफिनेटली होगी इस फैसले से आ, फिर 1926 में जॉन एडम्स यानी जॉन कंसी एडम्स का जो अपना बाप था और थॉमस जेफरसन वो जो हैं रजाई लाही से जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले और इस तरीके से जो अमेरिका की रेवोल्यूशनरी जनरेशन थी जिसने रेवोलूशनरी वॉर को लीड किया था जिसमें उनके फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने सारी आइडिएशन रखी थी उसकी बुनियाद रखी थी वो पूरी की पूरी जो नस्ल थी वो चली गई तो वो जब चले गए और फिर उसके बाद आज जो तो फेडरलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टीज की आखिरी आखिरी कुछ कड़ियां थी वो भी खत्म हो गई तो इसका मतलब कि वो जो पुराना सारा का सारा सियासी इक्विलिब्रियम था ना वो खत्म डिस्टर्ब किया वो खत्म हो गया तो एक नया पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करने का जो है वो स्पेस क्रिएट हुई जो तो मार्केट रेवोल्यूशन हुई अगर आपने वो वीडियो देखी है जो मैंने आपको शुरू में रिकमेंड किया था पर आप देख के आए मार्केट रेवोल्यूशन बेसिकली ये आइडिया था कि लोगों ने सबसिस्टेंस इकोनॉमी से कमर्शियल इकोनॉमी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया रादर देन क्रिएटिंग थिंग्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेडियन हाउस होल्ड में हुआ करता था कि सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत है उतना पर पैदा करना शुरू किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया भी जन्म लेने लग गया कि हमें सिर्फ अपनी सबसिस्टेंस के लिए क्यों बनाने की जरूरत है हम किसी एक चीज में स्पेशलाइज करके मार्केट में कमर्शियल लेवल पे उस काम को करते हैं और हर चीज़ें फिर वो इस तरीके से आना शुरू हो गई और इसी तरह जो इंडस्ट्रीज लग रही थी नॉर्थ में उससे यूएस की मैन्युफैक्चरिंग पावर जो थी वो भी बन, बनना बढ़ना शुरू हो गई अब जब आपकी इकॉनमी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है एग्रीकल्चर सेक्टर भी है फिर उसके से डिफरेंट क्लासेस बनना शुरू होती हैं मार्केट्स डिवेलप है तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स बनना शुरू होंगे तो पोलिटिकल कंसेंसस जो है ना वो आपका डिवाइड होना शुरू हो गया अब एक सिंपल कॉम नहीं रहे अब आप एक कॉम्प्लेक्स नेशन बनना शुरू हो गया सेक्शनल राइवलरीज क्रिएट होना शुरू हो गई और जो एरा ऑफ़ गुड फीलिंग्स जो था वो खत्म होना शुरू हो गया विद नॉर्थ एंड साउथ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिवाइडेड अलोंग डिफरेंट पोलिटिकल इशूज़ एरा ऑफ़ गुड फीलिंग्स ये उन्नीस से उन्नीस सौ ये 1900 से कह रहा हूँ 1815 से 1825 सौ पच्चीस के दरमियान बेसिकली वॉर ऑफ 1812 के बाद से शुरू होता है कुछ सेंस में बट एटीन ट्वेंटी थर्टी फाइव की प्रेसिडेंसी में खास तौर पर कि पोस्ट 1812 एक नेशनल यूनिटी का एलिमेंट था क्योंकि अभी अभी एक जंग लड़ी थी बरतानिया से जीती थी तो बड़ा एक ना नेशनल प्राइड और ऑप्टिमिज्म और सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस था नेशनल पर्पस था एक तो इस उसको और एफ्लुएंस और भी बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही थी तो पुरुद थे लोग लोग अपने हालात से खुश थे लोगों को मजा आ रहा था तो इसलिए हिस्टोरियंस ने भी ज्यादा मेहनत नहीं करते अक्सर जिस तरह हमने देखा है चीज़ों को नाम देते हुए

बाई द इलेक्शन ट्वेंटी बट थ्री स्टेट्स द फ्रेंचाइज टू ऑल वाइट एडल्ट मेल्स के प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ना तकरीबन तमाम स्टेट्स में सिवाए तीन रियातों के तमाम जो रियातें थीं उन सब ने प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन खत्म कर दी थी कि सिर्फ ऑब्वियसली खातन को राइट right नहीं था माइन अफ्रीकन अमेरिकन को नहीं था इंडिजनस ग्रुप्स को नहीं था किसी भी माइनॉरिटी को नहीं था बट प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन थी पहले तमाम मेल वाइट मेल्स को भी नहीं था उनमें भी जिनके पास प्रॉपर्टी थी लैंड ओनर्स थे उनको था तो वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई मोस्ट स्टेट स्टेट गवर्नर जजेस एंड ऑफिशियल्स वर इलेक्टेड वाइल लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन कुड नॉट वोट क्योंकि खुवान अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटीज को राइट टू वोट नहीं था लेकिन उस टाइम के हिसाब से स्टिल काफी ज्यादा डेमोक्रेसी अचीव कर चुका था यूनाइटेड स्टेट्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एट दाइम पहले जो छः प्रेजिडेंट्स थे जो वो पहले के छः से दूर तकरीबन एक ही किस्म के थे तमाम दे वर ऑल फ्राम वेल्दी दे वर ऑल वेरी एजुकेटेड एंड दे वर फ्रॉम द ईस्ट जैक्सन ऑन द अदर हैंड वाज अ सेल्फ मेड मैन एंड इन इज डिस्पाइज फॉर अडिस्टोक्रेसी ही डिक्लेयर इवन एजुकेशन वो ये कहता था कि तालीम भी जो है ना कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं है वो उसको लगता था कि तालीम जो है एजुकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर क्लासेस क्योंकि इस तरह के पब्लिक स्कूल कॉमन नहीं होती थी एजुकेशन तब और एक ये दिस वॉज प्रेज बैक देन टू हैव एजुकेशन सो ही रिक्वायरमेंट फॉर पोलिटिकल लीडरशिप एंड इन डीड जैक्सन लॉन्च एंड एरा वेयर पोलिटिशन ट्राई टू शो हाउ पुअर दे हैड बीन तो चूंकि एक पॉपुलिस्ट वेव चल रही थी उस वक्त में जैकसन उसका सबसे बड़ा सिंबल था तो उसने एक ऐसा मतलब एक माहौल बनाया वेयर एवरीबडी ट्राई टू शो हाउ पुअर दे वर्ल्ड

उसने एक सिंबल भी क्रिएट करना था तो ही इनवाइटेड पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक अलाउ नहीं होती थी बॉल uh, के अंदर उसमें शामिल किया मेनी पीपल केम टू दॉगरल बॉल इन दियर होम मेड ऑन चेयर इन मडीड बूट्स जस्ट टू गेट अट दियर प्रेजिडेंट एंड जैक्न पॉपुलज हिम नेम किंग पेंटिंग विच शोज एंड जैकसन राउडी पार्टी टूक होल वीक टू स्क्रब एंड क्लीन द वाइट हाउस after the party because the White House was not definitely not prepared for this. Indian Removal Policy Act of 19, 1830 was a tragic jo tha act passed by Congress ne and was signed into law by Andrew Jackson and it was basically a, a reflection of Andrew Jackson's own vision and policy because uh, this law authorized the President this law President ko ye power that he can grant Indians अनसेटल्ड लैंड वेस्ट ऑफ मिसिसपी रिवर इन एक्सचेंज फॉर देर इंसिस्टेंट होमलैंड विदिन एक्सिसटिंग स्टेट बॉर्डर इन द साउथ बेसिकली अमरीका के अंदर जो वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर है यानी यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ जो अनसेटल्ड लैंडस हैं जहाँ परशन जो अन इनहेबिटेड हैं जहाँ पर आबादी कम है या बहुत नहीं बिल्कुल ही नहीं है ये जो इंडियन मेन से एरियाज़ में रहते हैं न जो नेटिव अमेरिकन बेसिकली वो उनको कहा गया फोर्स किया गया कि वो अपने घर इंसेस्ट्रल अबाई घर जाऊँ हजारों सालों से रह रहे हैं जहाँ से ये छोकरे अभी दो ढाई सौ तीन सौ साल पहले आए हैं सिर्फ ठीक है बहुत थोड़ा वक्त हुआ इनको आए हुए उन्होंने दो सौ ढाई सौ तीन सौ साल रहने वालों ने उन हजारों साल वालों को कहा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाए ठीक है और उनको फोर्स किया कि आप अनसेटल लैंड में जा कर लें अब अगर इफ़ यू नो अबाउट द नेटिव अमेरिकन कल्चर यू वुड नो वन ऑफ द कॉमन थ्रेड्स In that culture, is that they have a very strong reverence for their ancestral soil, where they reside and their homeland. It's sacred for them. They also sort of like worship or revere their ancestors, and because their ancestors are also buried in those lands, that land is very sacred for them. There's the, they have this association with that land, and an emotion not just an emotional connection. It's like a religious affiliation for them. So, disregarding all of this. उनको जो है ज़बरदस्ती कहा गया कि नहीं तुम उतना जाओ ये हमें अपने लिए चाहिए हमने इधर अपनी कार्रवाइयाँ डाली तो ज़्यादातर नेचुरली जो आ, नेटिव अमेरिकन थे वो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो इसीलिए बड़ा हंगामा हुआ बहुत ज़्यादा फॉयलेंस और फोर्स इस्तेमाल करके उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया

फिर ट्रेल ऑफ टीयर्स का जो बेसिकली फिनोमेना इसको कहा जाता है एक बड़ा एक ट्रेजिक uh, पीरियड है ये इस दौरान इन द यूएस हिस्ट्री इज द फोर्स रिलोकेशन ड्यूरिंग द एटीन थर्टीज ऑफ ईस्टर्न वुडलैंड इंडियंस ऑफ द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जिसमें चेरोकी ट्राइब था क्रीक चिकसॉ चॉकटॉक सेमिनोल अमंग अदर नेशंस जिनको जबरदस्ती इंडियन टेरिटरी वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर में फोर्स किया गया फ्रॉम देयर ईस्टर्न वुडलैंड्स estimates based on tribal and military records suggest that approximately 100,000 indigenous people were forced from their homes during that period, which is sometimes known as the removal era. and some 15,000 people died during the journey west. Uh, it's, that's why the term trail of tears invokes the collective suffering those people experienced, although it is most commonly used in reference to the removal experience of the southeast indians generally and the cherokee nation specifically. the so, trail of tears is like a thank unhone the

अक्रॉस पोर्शन ऑफ नो स्टेट्स का रास्ता इसके अंदर बीच में आता था एलोबामा आर्किनसा जॉर्जिया एलनोई कैंटकी मिसोरी नॉर्थ केरोलाइना ओक्लाहोमा और टेनेसी सो so ये बेसिकली ट्रेल ऑफ टीयर्स है ये ये वो लैंड थे जहां पर पहले से मौजूद थे इंडियंस नेटिव अमेरिकन आप देखें इस रीजन के अंदर मौजूद हैं इस रीजन के अंदर ये देखें ये जॉर्जिया है और ये बेसिकली वो uh, जो आपकी चेरोकी नेशन के साथ इधर उनका इस लैंड पर डिस्प्यूट था खैर यह भी उनका एरिया था नेटिव अमेरिकन का तो जो चेरोकी नेशन है वो यहाँ से ये उनका पूरा रास्ता बना जहाँ वो गए ये ट्रेल बनी उनकी क्रीक्स जो थे वो यहां से गए ठीक है चिकासो जो है उनका भी इसके अंदर दिया हुआ है सेमिनोल वालों का एक जो मेन वॉटर लैंड जो फ्लोरिडा से आए थे उन्होंने वाटर वाले रास्ता भी जो है वो कवर किया सो दैट्स वट केम टू बी नोन एज द ट्रेल ऑफ टीयर्स नलीफिकेशनिस इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपन डिंग जैक्न टाइम प्रोटेक्टिव टेरप्स वो होते हैं टेरिस्वे हम बहुत गुफ्तू कर चुके हैं हमने रेवोलूशन के दौरान भी की थी कि कैसे अमरीका को मसला था बरतानिया जो उनपे प्रोटेक्टिव टैरि लगाए थे प्रोडक्ट्स uh, के ऊपर तो प्रोटेक्टिव टेरिस्ट आर द टैक्स दैट इम्पोज फॉरन गुड्स दीज टैसेज इंक्रीज द प्राइस गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इट इज़ अ पॉलिसी ट यूज बाई कंट्रीज टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री फ्रॉम बींग आउट कम्पीटेड बाई चीपर फॉरन गुड्स और चूंकि उस वक्त यू एस का जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर था वो एक्सक्लूसिवली नॉर्दर्न स्टेट्स में था सदर्न स्टेट्स एग्रीकल्चरल थी जो शुमाली रियात थी उनमें था और वह भी नया नया नई अपनी स्टेज में था नेट स्टेज में था और जो ज़्यादातर अमेरिकन मिडिल क्लास लोअर क्लास वर्किंग क्लास थी वो उन कारखानों में फैक्ट्रियों में मिलों में काम करती थी जो नॉर्थ में होती थी और एनी पॉलिसी दैट फेवर्ड इंडस्ट्रीज सच एज प्रोटेक्टिव वो मिडिल क्लास लोग जो है ना उन्होंने उसकी uh, तारीफ करनी थी उसका फायदा होना था उन्हें क्योंकि जॉब क्रिएशन बढ़नी थी बट ऑन दी अदर हैंड जो सदर्न स्टेट्स थी चूंकि वो एग्रेरियन सोसाइटीज थी स्टेट्स थी उनको डायरेक्टली उन टैक्सेस का फायदा नहीं था बल्कि वो चूंकि फिनिश गुड्स कंज्यूम करते थे तो उनको फिनिश गुड्स बस सस्ती चाहिए थी अब उनको अगर लोकल चीजें महंगी मिल रही हैं और बाहर की सस्ती मिल रही है तो वो तो चाहेंगे बाहर से आए लेकिन अब आपने वो बाहर की चीज़ें लोकल वाली से भी मज़ीद महंगी कर दी हैं तो आपने ओवरऑल महंगाई कर दी है, तो है चीज़ें खरीदने के मामले में फॉर द सदर्न स्टेट्स तो वो जो थे वो रिजेंट करते थी इन इन को नैचुरली जैक्सन बीन द चैम्पियन ऑफ द कॉमन मैन और मिडिल क्लास उसने फेवर किया इन टेरवस को ताकि उनका उसकी ज़्यादातर सपोर्ट बेस जो थी वो नॉर्दर्न स्टेट से आ रही थी

प्रेजिडेंट जैक्सन ने उसके जवाब में कहा कि अच्छा बच्चू मैं तो देख लांगा उसने मजीद पावर एग्जेक्टिव में अपने अपने ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट की विद द द द 1833 फोर्स फोर्स बिल वाज ऑथराइज यूज ऑफ मिलिट्री अगेंस्ट एनी स्टेट दैट रेजिस्टेड टैरिफ कट्स उससे प्रेजिडेंट के पास ये पावर आ जानी थी कि अगर कोई टैरिफ्स नहीं कर रहा इन तो मिलिट्री की फोर्स भेज के उनसे कलेक्ट करवाया जा सके तो साउथ कैरोलिना ने कहा कि हम ये फोर्स बिल को भी नलीफाई कर देंगे अपनी लेजिस्लेचर में तो वो बैक एंड फोर्थ चल रहा था मामला अल्टीमेटली फिर एक कॉम्प्रोमाइज टैरिफ रीच किया गया जिसमें उतना टैरिफ नहीं लगाया गया जितना पहले प्रपोज था और बिल्कुल भी खत्म नहीं किया गया तो एक कॉम्प्रोमाइज रीच कर लिया गया जिसकी वजह से नैलीफिकेशन क्राइसिस डिफ्यूज हो गया सर्विस पेंशन एक्ट ये है कि उसने जो फाइने वेटर थे जो बेसिकली मिलिट्री के ऑफिसर्स uh, थे रिटायर्ड उनको और उनके डिपेंडेंट्स को इम्पावर करने के लिए किया गया रेवोल्यूशनरी वॉर सोल्जर्स की विडोज जो थी जो बेवाएं थी उनका जो हु मेट क्राइटेरिया वर अलाउड टू रिसीव देयर हजबेंड पेंशन फिर रोटेशन इन ऑफिस सिस्टम ये बड़ा इंटरेस्टिंग था और एंड्रू जैक्सन ने जब अट्ठारह सौन में जब वो प्रेजिडेंसी उसने ज्वाइन की तो ऑफ ऑफिस एक्ट पास किया जो कि पहले प्रेजिडेंट मुनरो ने उन्नीस सौ बीस में भी एक दफा पास किया था हाँ दिस लॉ वॉज पासड इन नाइनटीन ट्वेंटी बट इट वॉज नेवर इन्फोर्स्ड विच इज इंटरेस्टिंग बेसिकली ये प्रेजिडेंट मुनरो के टाइम का लॉ था लेकिन इसको इनफोर्स आके प्रेजिडेंट जैक्सन ने किया ये वैसे अक्सर होता भी रहा है ये आई रिमेंबर इट्स नॉट बेस्ट एनालॉजी बट काफी सालों से लॉ था कि यूएस दे हैड बेसिकली मेड दिस पॉलिसी के यू एस और कैपिटल फ्राम टेलवीव टू जेरूसलम इसराइल के अंदर लेकिन चूंकि कॉन्ट्रोवर्सी थी कि जेरूसलम तो इज नॉट पार्ट ऑफ इसराइल वो तो एक डिस्प्यूटेड सिटी uh, है तो हर दफा ना हर साल प्रेजिडेंट uh, जो था वो प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको डिले करते रहता था इसकी इन्फोर्समेंट को इस लॉ को तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया था जब ट्रंप ने मूव की थी वो एम्बेसी जरूसलम uh, में तो ही डिड नॉट टेक द एक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग सिंपली रिफ्यूज प्रसिडेंट डू उसने वो जो डिले करते थे इस चीज को मजीद के अभी नहीं ट्रांसफर करनी वो वाला उसने लॉ पास नहीं किया सो ऑल दो वो चला आ रही थी एक पिछले प्रेजिडेंट में चीज लेकिन वो इन्फोर्स नहीं होती थी क्योंकि वो उसको डिले कर देते थे प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिंपली इन्फोर्स दैट अर्यर पॉलिसी

और इट विल रिड्यूस डिस्टोक्रेसी इन इंक्रीज डेमोक्रेसी एंड ही थाट दैट रोटेटिंग पोलिटिकल अपॉइंटमेंट वुड प्रिंट द डेवलपमेंट ऑफ करप्टरोक्रेसी उसको लगा कि इससे चूँकि वो परमानेंटली अपने पैर मंजुमद नहीं कर सकते कि हर जो भी प्रेजिडेंसी आएगी या गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट करेगी तो वो कभी इतने सेट ही नहीं होंगे कि वो फुली करप्ट हो सकें जो अपोनेंट्स थे वो इसको जो इस पॉलिसी के मुखालिफ थे जैक्सन के खिलाफ थे वो इस निज़ाम को रोटेशन इन ऑफिस को डरटिवली uh, कहते थे स्पॉयल सिस्टम यानी ये माल बांट रहा है स्पॉयल स्पॉइल्स ऑफ वॉर होते हैं जैसे मालिक रीमत ये उस तरह बांट रहा है अपने लोगों को नवाजने के लिए टू अवॉर्ड हिज लॉयल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉलोअर्स बाई गंगेडरल ऑफिस अपॉइंटमेंट्स और ये दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स में क्या मसला है और क्या प्रोज हैं ये हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हमने देखी हुई हैं इन पाकिस्तान

फिर बैंक वीटो इन इलेक्शन ऑफ 1832 यू शुड नॉट टीच आफ्टर अ बैक डे एट जिम अच्छा द सेकंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज चार्टर्ड बाय प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन टू रिस्टोर द यूएस इकोनॉमी डेवेस्टेटेड बाय द वॉर ऑफ 1812 तो सेकंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का चार्टर जो है ना वो उन्नीस में दोबारा किया था प्रेजिडेंट जेम्स मेडिसन ने ताकि जो

उसका यानी लिमिट टर्म टर्म खत्म हो रही थी एक कानून के तहत एक बैंक को पावर दी गई क्रिएट किया गया लेकिन उस बैंक को उसके अंदर जो उसका टाइम पीरियड था वो खत्म होने को था इसीलिए दोबारा जरूरत थी कि कानून साजी करके उसको दोबारा से रिचार्टर किया जाए अब वो कानून साजी करके उसे रिचार्टर किया गया लेकिन प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए वीटो कर दिया उस कानून को उस चार्टर को और वह बैंक दोबारा रीइंस्टिट्यूट नहीं हो सका Jackson used this issue to promote his democratic values, believing that bank was being run exclusively for the wealthy. He stated that the Bank of United States made the rich richer and the potent more powerful. Jackson's political opponents castigated Jackson's veto as the very slang of demagogue, claiming Jackson was using class warfare to gain support from the common man. So 1832 <laughs> the election, the rechartering of the Second National Bank important issue. बट जैक्सन बहुत पॉपुलर था आम आवाम में और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी का नेटवर्क्स थे जिनको विक्री क्लब्स कहा जाता था स्टेट और लोकल गवमेंट्स लोकल लेवल पे वो बहुत स्ट्रांग थे और उसकी वजह से एंड्रयू जैक्सन जो है वो इलेक्शन जो है वो जीता बाय लैंडस्लाइड और उसको ये ऑब्वियसली इम्प्रेशन भी यही था कि चूंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था इस इलेक्शन में इस बैंक का रीचार्टर और वो डिसाइसिवली जीता है इसका मतलब आवाम उसके इस फैसले के साथ साथ है उसके पीछे खड़ी है अब हुआ ये कि नेशनल इकानमी एटीन थर्टीज़ में इट वॉज बूमिंग एंड द फेडरल गवर्नमेंट वॉज एबल टू पे ऑल बिल्स इकानमी बूम कर रही थी तो मतलब टैक्सेज अच्छे इकट्ठे हो रहे थे जो भी फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिसोर्स की जरूरत थी वो सारे रिसोर्स पूरे हो रहे थे और अट्ठारह में जितना कौमी कर्ज था वो एंड्रू जैक्सन ने उतार दिया एंड इट वॉज दी ओनली टाइम इन यू एस हिस्ट्री दैट इट हैड एवर सिंस देन है उससे पहले ना उसके बाद अमेरिका हमेशा कर्जे में रहा है अभी भी आई थिंक थ्री ट्रिलियन डॉलर्स का under debt hai two different countries including china and japan uh, if i'm not wrong it's either 2 or 3 trillion but the country plunged into depression that came to be known as the panic of 1837 1837 mein jo hai ekdam jo economic recession aaya wo recession kyun aaya usme ek reason to yahi second national bank ka renewal na karna tha आपकी central level पे economy manage नहीं हो रही थी तो monetary policy control करने वाला कोई institution मौजूद नहीं था जो कि बहुत important होता है recessions के अंदर उसी ने आपका इंटरेस्ट रेट सेट करना होता है उसी ने सारे मॉनेटरी टूल्स यूज करते हुए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं और फिर चूंकि सेंट्रल बैंक नहीं था आपका तो फेडरल जो मनीज थी फेडरल पैसा सारा वो भी स्टेट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ा एटीन में तो वो सारी डिसऑर्गेनाइजेशन हुई फिर स्पीशी सर्कुलर एक्ट लाया गया जिसमें यह कहा गया कि जो वेस्टर्न लैंड्स हैं जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए जमीन खरीदी जाएगी वो सिर्फ उस पैसे से खरीदी जाएगी दैट इज बैक बाय गोल्ड एंड सिल्वर द सेम ईयर देयर वॉज अ डाउन टर्न इन ग्रेट ब्रिटेन इकॉनमीम और बरतानिया की इकॉनॉमी में डाउन टर्न आया तो बरतानिया से जो बहुत इन्वेस्टमेंट होती थी अमरीका के अंदर वो भी कम हो गई इसकी वजह से इकॉनमी डिप्रेशन में चली गई डिप्रेशन में इस तरह कहीं कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक थे वो डिफॉल्ट कर गए दे बिकेम इंसॉलवेंट नेशनल डेट जो है वो भरना शुरू हो गया आपका कर्ज लेना पड़ा आपको फिर अपने खर्चे अखराजा पूरे करने के लिए बिजनेसेस फेलियर होना शुरू हो गया कॉटन की जो प्राइसेस थी वो ड्रॉप की कॉटन प्राइसेस ड्रॉप होने का नुकसान यह था कि साउथ में बहुत ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती थी तो चूंकि कॉटन की प्राइस जब ड्रॉप बहुत की तो जो कॉटन मैन्यूफैक्चरर्स थे उनकी अर्निंग्स बिजनेसिस की कम होना शुरू हो गई बहुत सारे फार्म्स बंद होना शुरू हो गए वेजेस देने की कैपेसिटी नहीं रही तो ओवरऑल नुकसान हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट ड्रामेटिकली इंक्रीज दिस डिप्रेशन लास्टेड फॉर फोर इयर्स एंटिली वन वन द इकोमी बिगेन टू री फिर ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो टोटल तकरीबन फेडरल लेवल पे 24 जजेस अपॉइंट किए थे एंड्रयू uh, जैक्सन ने छह जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किए दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड 18 जजेस टू द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स स्टेट्स उसने दो एडमिट की यूनियन के अंदर आर्कनसा 1500 uh, 15 जून 1836 uh, में और मिशिगन 26 जनवरी 1837 में और इस इन दोनों स्टेट्स में जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसकी पावर जो एक्सपैंड की बिकॉज यही आइडिया था कि जो भी स्टेट नहीं एडमिट होगी वो उस बंदे को उस पार्टी को वोट देगी जिसने उसके उस उस स्टेट की एडमिशन इनटू यूनियन के लिए सबसे ज्यादा लॉबी किया होगा या स्ट्रगल किया होगा इसी वजह से मार्टिन वैन ब्यूरन जो थे वो उन्नीस सौ में आ, सदर बने वेरी आर नोन प्रेजिडेंट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस्ट्रीज मोर ऑफ द मोर ऑफ दोबल वन अगर हम उसकी पॉलिसीज की वैल्यूएशन करें तो दोनों तरफ से देखा जा सकता है अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें एक ही चीज़ के दो रुख हैं ही ओपन व्हाइट हाउस इनाग्रेशन टू कॉमन मैन मैन प्रोटेक्टिव टैरिफ फॉर यूएस एस को उससे फ़ायदा हुआ सर्विस पेंशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया रोटेशन इन ऑफिस की गई ताकि करप्शन को कम किया जाए बेरोसी में और uh, एरिस्टोक्रेसी को कम किया जाए बैंक वीटो किया ठीक है ये पॉलिसीज वर एम्ड एट अ कॉमन मैन एटलीस्ट कॉमन मैन का नाम लेते हुए ये सारी पॉलिसीज हो गई थी Uh, Jackson's background as somebody outside of the aristocracy, coupled with these policies, earned him the title of "People's President." But controversial policies, bhi thi, many of his policies, which were ostensibly, apparently, wo common man's fame, karti thi, but they were deemed by his opponents as a ruse, a cover, a fig leaf, a uh, uh, camouflage, hai, who alleged that Jackson used common man's rhetoric for self-serving ends.

पब्लिश किया गया उसके टाइम पे किंग एंड्रयू द फर्स्ट नाम था कि आप नीचे देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसने पाँव रखा हुआ है इंटरनल इंप्रूवमेंट ऑफ यूएस बैंक के ऊपर पाव रखा हुआ है हाथ में वीटो लिया हुआ है इट्स अ पोलिटिकल पॉलिटिकल कार्टून वॉज फर्स्ट आर्टिस्ट इन एटीन थर्टी टू इन द लाइब्रेरी रिस्पॉन्स टू जैक्स वीटो अगेंस्ट नेपोजिट्स मोनर बिकॉज व्यू जैक्सन एज एन एब्यूजर ऑफ इज प्रेडेंशियल पावर्स एज ऑफ जैक्सन जो है यह वाली वीडियो देखनी है यूएस हिस्ट्री नंबर फोर्टीन होपफुली आपने ट्वेल्व और थर्टीन ऑलरेडी देखी होगी जो मैंने आपको शुरू में कहा था वो आपने अगर नहीं देखी पहले वो देख के फिर आप इसमें ताकि आपकी क्रोनोलॉजी जो है वो ठीक रहे दिस इज एवरीथिंग डिस्कस इन दिस लेक्ट विल लुक एट एंड जैक्सन एज द फर्स्ट मॉडर्न प्रेजिडेंट जो कि पास पेपर का सवाल भी है